लॉर्ड कृष्णा नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लेट बी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, नेम सॉलिड फिगर्स या 3D शेप्स। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं और 3D शेप्स इनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, 2D शेप्स या फिर प्लेन फिगर्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहला वर्ड आता है कि सॉलिड फिगर्स होते क्या है और इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने पहले अपना प्रीवियस एक बार रिवाइज करती हूँ और पीछे वाले से आपको करेक्ट करके आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, प्लेन फिगर। ये हमने बनाया था, ठीक है, प्लेन फिगर। ये इसका नेम क्या था, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये होती है आपकी लेंथ लंबाई और ये होती है आपकी ब्रेथ। ठीक है, ये होती है आपकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जिसको बोलते हैं और ये होती है आपकी लेंथ यानी कि लंबाई, क्योंकि इसमें टू डायमेंशंस, इसको डायमेंशंस बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ जो होता है इसको डायमेंशंस बोलते हैं। तो ये आपकी इसमें टू है इसलिए इसको 2D शेप बोलते हैं। ठीक है, 2D शेप डायग्राम, क्योंकि इसमें टू डायमेंशंस है। अब अगर मैं इसमें एक और डायमेंशन लेके आ जाऊँ, जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, कौन सी इसमें नहीं है, हाइट नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊँगी, एक और डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने, देखिए यही रेक्टेंगल है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से 2D शेप बना के दिखाती हूँ एक बार किस तरह से बनाते हैं। जैसे अभी मैं रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ पे मैंने उसको रफ कर दिया है, इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये 2D शेप में था, दूसरा ये रहा। अभी इसमें क्या थी, जब रेक्टेंगल बना हुआ था तो क्या था, ये लेंथ थी एंड ये ब्रेथ थी आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे, इनकी जो कॉर्ड वर्टेक्स है इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, दो रेक्टेंगल्स को हमने मिला के इस तरह से इनकी वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया, क्यूबॉइड। ठीक है, ये जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, राइट। अब देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लेंथ, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं विड्थ। ठीक है, ये लाइन है इसको बोलते हैं हाइट, क्लियर। ये लेंथ है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है, ये होती है आपकी 3D शेप, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हो गई। लेंथ डायमेंशंस कौन कौन सी आ गई इसमें, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये आपकी होगी 3D शेप। अब हम आगे देखेंगे और भी किस तरह से होती हैं, जैसे कि हमने 2D शेप में क्या बनाया था, सर्कल बनाया था। ठीक है, एक प्लेन पेपर पे ऐसे हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये हो गया सर्कल। अब इसका 3D शेप क्या होगा, जैसे इसका 3D शेप होगा एक बॉल, एक फुट, जो बॉल ले होगी वो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका 3D शेप की, क्योंकि उसमें डायमेंशन की इसमें विड्थ भी आ जाती है, राइट। एंड जैसे स्क्वायर हमने ड्रॉ किया था, स्क्वायर के लिए मैं इसको पहले रफ कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके सामने तीन डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं क्यूब बोलेंगे क्योंकि इसमें, या इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, इसको बोलेंगे कोन। ठीक है, ये हमारा हो गया कोन। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में, आप मेरा मार्कर देख रहे हैं, ये भी कुछ सिलेंड्रिकल शेप में है, इस तरह से रोल है। एंड इसके लिए आप देख सकते हैं क्यूबॉइड में आप अपनी बुक देख सकते हैं, ठीक है, और कोन में जैसे आपके घर में फनल होता है कीप, वो आपका कोन शेप में आ जाएगा। आइसक्रीम जब आप लोग आइसक्रीम लेते हैं उसमें इस तरह से आइसक्रीम का जो नीचे वाला कोन होता है, ये भी इसी से कोन शेप में होता है, इस तरह से इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका जब आप डस्टर, जैसे घर स्कूल में आप देखते हैं डस्टर जो होता है आपका, वो भी कुछ इसी क्यूबॉइड शेप में होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्यूबॉइड शेप में होता है, यहाँ पे रफ करने के लिए होता है। सिलेंडर आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है ना, कुछ जो सिलेंडर घर पे बना होता है वो भी आपका इस शेप में होता है। ठीक है, तो ये आपके शेप होते हैं और इनका उसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने उसमें वर्टेक्स पढ़ी थी वैसे इसमें भी ये वर्टेक्स होती है, कॉर्नर
ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं, ये आपकी साइड्स होती हैं, इसमें ये साइड है दो, इसमें ये दो साइड्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है फेस, जैसे आपको पहचानने के लिए आपके फेस की ज़रूरत होती है, वैसे इनमें भी फेस होता है। जिसमें इसका ये पोर्शन है आगे का, ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये इसका फेस हो गया। सिलेंडर है, सिलेंडर में जैसे मेरे पास ये है, तो ये इसका फेस हो गया, कर्व फेस हो गया, इसको ये घूमा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्व फेस। ये इसका कर्व फेस है, ये पूरा ये कर्व फेस है। ये इसका फ्लैट फेस है, सर्कल, सर्कल जो फ्लैट फेस है टॉप, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। एंड जैसे ये है इसका ऊपर का फेस, सर्कल फेस, इसमें एक कर्व फेस हो गया, एक ये सर्कल फेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ फेसेस होते हैं और ये कुछ डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेंडर में हम आप और ले सकते हैं, अगर आपको सर्कल में आपको कोई एग्जांपल देखना है, जैसे इनका तो हो गया सर्कल में, कैसे ऑरेंज होता है, वाटरमेलन होता है, आपका घर में ग्लोब होता है ना, ये सारे सर्कल के जो स्पीयर के, इसको स्पीयर बोलते हैं। जो सर्कल 2D शेप में सर्कल होता है, ऐसे 3D शेप में इसको क्या बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं, ठीक है। और कोन में आइसक्रीम कोन हो जाएगा, आपके बर्थडे कैप होती है इसके लिए, इसके लिए बर्थडे कैप होती है, टेंट होता है, फनल होती है, कैरेट होता है, टर्निप होती है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो कोन में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल में भी बहुत सारे आ जाते हैं, आपका डस्टर हो गया, टेबल हो गई, और आपका व्रीप केस हो गया घर पे, माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपकी बुक हो गई, इरेजर हो गई, मैच बॉक्स, माचिस, ये सारे एग्जांपल्स किस में आते हैं आपके, क्यूबॉइड में। क्यूब में किस में आते हैं, क्यूब में क्या होता है, जो चारों तरफ से इक्वल लगे, ठीक है, इक्वल हो, वो सारे। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको, आप सभी को।